और स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बरसे तो आफत, ना बरसे तो आफत। मानसून की पहली बारिश के बाद प्रदेश के कुछ इलाकों का हाल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंगलवार सुबह मानसून की पहली बारिश हुई। कुछ लोगों ने सुहावने मौसम का लुत्फ उठाया तो कुछ लोगों के लिए ये बारिश किसी आफत से कम नहीं थी। बारिश की वजह से घरों से बाहर निकले लोग काफी परेशानियों का सामना करते नजर आए। सड़कों में हुए जलभराव की वजह से सड़कों पर जाम लग गया। साइबर सिटी के सेक्टर 10 सोहना रोड पर जाम की स्थिति बन गई थी। उधर रोहतक में भी बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। साथ ही जींद में भी जलभराव की स्थिति कुछ अलग नहीं थी। मानसून की पहली बारिश के बाद प्रशासन की उन सभी तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं जिसमें मानसून से पहले तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये आज की तस्वीरें हैं। जब पहली बारिश मानसून की हुई प्रदेश में तो तमाम जिलों में जल भराव की स्थिति बन गई। जींद, गुरुग्राम और रोहतक में देखिए किस तरह सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से गुरुग्राम में तो लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जाम में लोग घंटों फंसे रहे और ये अभी सिर्फ पहली बारिश का नतीजा है। अभी मानसून ने सिर्फ दस्तक दी है, अभी मानसून लंबा चलेगा और इस दौरान कई बार बारिश होगी। अब उस बारिश में क्या हाल शहर भर का होना है आप अंदाजा लगा सकते हैं आज की पहले दिन की इस बारिश से। गुरुग्राम में सोना रोड के पास जाम की स्थिति बन गई, जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह से ही बारिश लगातार हो रही थी और मुख्य तौर पर जो दफ्तर जाने का टाइम होता है सुबह पीक आवर्स में, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर तब हुई जब ट्रैफिक जाम हुआ और लोग अपने ऑफिसेज के लिए लेट हो गए। तो रोहतक और जींद में भी सड़कें भर गईं। भारी बारिश की चेतावनी एक तरफ जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इन तमाम स्टेट्स में ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी किया गया है। गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा कर्नाटक, ये वो प्रदेश हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। असम के भी कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं येलो अलर्ट की, तो हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट के अलावा येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में फिलहाल क्या स्थिति है सड़कों की, चूंकि आज मानसून की पहली बारिश हुई है और जल भराव की शिकायतें आ रही हैं कई इलाकों से। बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम एनआईटी विधानसभा में, आप देख सकते हैं कि तमाम जो एनआईटी विधानसभा की जो सड़कें हैं इसी तरीके से, मैं अपने कैमरामैन से बोलूं कि दिखाए मेरे पैरों को कि एक घुटने के बराबर, दो घंटे की मात्र बारिश में कहीं ना कहीं घुटने के बराबर, और इसलिए पूरी जो मार्केट है इसी तरीके से लवालवा है, इसी तरीके से पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तमाम जो सीवरेज की जो ड्रेनेज की जो सिस्टम की समस्या है काफी दूरों से इसी तरीके से हमारे साथ ये लोग देखिए रोड पार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सर अपने घर पे जा रहे हैं हम, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये डेढ़ दो घंटे बारिश हुई है उसमें ये हाल है यहाँ के जो भी कर्मचारी। इसी तरीके से हालात है। हाँ जी, यहाँ तो हल्की सी भी बारिश आ जाए या गली का पानी भी आता है तो यहाँ भर जाता है, यहाँ कोई सुनवाई करके राजी नहीं है। आपके जो विधायक हैं पार्षद, उनसे आपने कभी बात? पार्षद तो आते ही नहीं कभी, यहाँ विधायक भी नहीं आते। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से, आप देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं जो उस रूट से जाती हैं वो वापस जा रही है क्योंकि पानी, ये देखिए ऑटो आ रहा है कितना ज्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। मात्र दो से तीन घंटे की बारिश है और किस तरीके से, इसी तरीके से पूरे फरीदाबाद के जो हालात है बद से बदतर है। प्रशासनिक अधिकारी लाख दावे जरूर करते हैं पर स्थिति आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक यहाँ पर है, बाढ़ जैसे हालात है। इसी तरीके से पूरे फरीदाबाद विधानसभा के, बड़कल की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, बल्लभगढ़ विधानसभा जहां से मूलचंद शर्मा आते हैं, आप देखिए तमाम जो बरसात का पानी है इसी तरीके से यहाँ पर भरता है। साफ तौर पर लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, और बहुत ही कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हैं चौंकाने वाली हैं राजा, क्योंकि आज सिर्फ पहली बारिश हुई है मानसून की और फरीदाबाद में ये हालत है सड़कों की। अपने आप में सवाल खड़े होते हैं शासन प्रशासन पर कि आप मानसून के पहले करते क्या हैं,
जब मॉनसून की पहली बारिश में यह स्थिति है राजा, अब आने वाले वक्त में मौसम विभाग ने पहले ही ये चेतावनी जारी करी है कि बारिश आने वाले दिनों में होगी इस पूरे हफ्ते, तो जब पहली बारिश से ये हालात है तो आने वाली बारिशों में क्या होगा? अभी सिर्फ शुरुआत है ये। हाँ बिल्कुल अंधेरी, वाकई में सवाल निशान प्रशासनिक अधिकारियों पर और नगर निगम के अधिकारी जो लाख दावे करते हैं बरसात को लेकर, आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। तमाम जो ऑटो व्हीकल की बात करें, गाड़ियों की बात करें, कई जो ऐसी गाड़ियां हैं रूट को कहीं ना कहीं चेंज कर रही है, यानी कि वापस जा रही है। जो कहीं ना कहीं पैदल है वो लोग भी इस रूट को नहीं, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी है। गाड़ी देखिए आप, करीबन घुटने भर का पानी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है पानी कहीं ना कहीं भरता हुआ नजर आता है। तो साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, यहाँ के जो विधायक हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है, साफ तौर पर उनको विधायकों को भी यहाँ पर सोचना चाहिए, बैक टू बैक मीटिंग भी लेनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसी तरीके से हमारी लोगों से भी यहाँ पर बात हुई है, कह रहे कि हर साल इसी तरीके से यहाँ पर पानी भरता है, तो वाकई में सोचने का विषय है। यहाँ के स्थानीय पार्षद हो, चाहे विधायक हो या फिर नगर निगम के कर्मचारी हो। जी बिल्कुल, लेकिन अफसोसजनक है और ये निराशाजनक है राजा कि हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है और हर साल इसी तरीके से मीडिया कवरेज में जो है सच्चाई टीवी स्क्रीन पर सबके सामने होती है, लेकिन इस पर उपाय क्या किए जाते हैं, इस पर कदम क्या उठाए जाते हैं? इतने बड़े बड़े दावे कि दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जल भराव की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, दिल्ली एनसीआर और मैं फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों ही जगहों पर आज जो है तस्वीर बेहद निराशाजनक है कि अब दो घंटे की बारिश में ये स्थिति है। आने वाले जो दिन है जिसमें मॉनसून अपने चरम पर होगा, वहां पर क्या लोग अपने घरों से निकलेंगे नहीं? क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधा जो सड़क साफ मिले, वहां पर गड्ढे ना हो, इतने एक्सीडेंट्स गड्ढों की वजह से होते हैं, पानी भरा रहता है, लोगों को गड्ढों के बारे में पता नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये जो गड्ढे भरी सड़कें हैं, जो ये जल भराव है, ये कई बार मौत का कारण बन जाता है। बिल्कुल अंदरी, वाकई में इस बारे में जो अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं, हम थोड़ी आगे हम अंदर चलेंगे तो बीच में जाने पर घुटने से ज्यादा कहीं ना कहीं ऊपर पानी, आप देख सकते हैं व्हीकल कितना ज्यादा पानी यहाँ पर है, यानी कि घरों में गलियों में जो मकान है आप देखिए वहाँ पर ऑटो भी कहीं ना कहीं बंद हो गए इतना ज्यादा पानी की वजह से। तो साफ तौर पर लोगों को हर साल इसी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और साफ तौर पर जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, नगर के अधिकारियों की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, नगर निगम के अधिकारियों की बात कर रहे हैं, लगातार दावे तो लाख करते हैं। लगातार मैं अभी सुबह से फोन कर रहा हूँ यहाँ के जो जई हैं और यहाँ की जो कमिश्नर है उनको, बारिश में पूरा फरीदाबाद जलमग्न हो गया है, बाढ़ जैसी स्थिति फरीदाबाद में बन गई है। तमाम जो दावे कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों ने देखे, अधिकार वो दावे कहा है कि सीवरेज है, ये देखिए तमाम जो पानी है सीवरेज है, सीवर ओवरफ्लो होने के कारण बरसात का पानी तो नजर नहीं आई है, पर जो सीवर ओवरफ्लो और नाले की सफाई ना होने के कारण, आप ये देखिए जो व्हीकल्स आ रहे हैं, कितने व्हीकल्स कहीं ना कहीं डूबते हुए आ रहे हैं, तो नाले की सफाई ना होने के कारण ये सभी जाम की समस्या और पानी की समस्या यहाँ पर बन रही है। तो साफ तौर पर लोगों को यहाँ पर काफी जी बिल्कुल, तो अधिकारियों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है और जवाब देंगे भी कैसे? शासन प्रशासन के लोग इस समय छुपके बैठ जाते हैं राजा, क्योंकि जाहिर तौर पर उनसे सवाल यहाँ लोग भी करते होंगे कि गलियों के, कॉलोनीज के, मेन सड़कों के हालात क्या है। अगर मैं फरीदाबाद के मेन रूट्स की बात करूं, वहां पर किस तरह की स्थिति राजा बनी जब बारिश हुई? मुख्य तौर पर वो रूट जहां से लोग रोज पीक आवर्स में जो है काफी बड़ा ट्रैफिक निकलता है, वहां क्या हालात है फरीदाबाद में सुबह? बिल्कुल नंदिनी, हम बात करें बाटा फ्लाईओवर की, बात करें नीलम फ्लाईओवर की, बात करें वहां पर हमेशा जल जमाव की समस्या हमेशा लगी रहती है। और लगातार जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जल भराव के बाद वहां से मोटर के जरिए पानी को जरूर निकालते हैं, पर वहां पर आज सुबह काफी ज्यादा जाम की स्थिति बनी क्योंकि वहां पर फ्लाईओवर के नीचे जल भराव की स्थिति थी। पर इसी तरीके से हम पोस्ट एरिया की बात करें, चाहे फरीदाबाद के सेक्टर 15 की बात करें, सेक्टर 9 की बात करें, ग्राउंड जीरो पर हम सुबह से यहां पर मौजूद है, अलग अलग लोकेशन पर इसी तरीके से जल भराव की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को। पर जो सबसे ज्यादा हालात है बाढ़ जैसे हालात हैं वो जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, लोकेशन है एनआईटी विधानसभा, यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा आते हैं, तमाम जो पार्षद हैं अलग अलग पार्टियों के हैं, पर जिस तरीके से दावे किए जाते हैं साफ तौर पर दावे आप देख सकते हैं कि खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। जी
जी अब बिल्कुल राजा, हम देख पा रहे हैं कि सड़कों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और इस तरह के जल भराव में लोगों को यहाँ से निकलना, यहाँ से गुजरना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। ये जो पूरा इलाका है जहाँ आप इस वक्त खड़े हुए हैं, एनआईटी का इलाका है राजा, क्या ये रिहायशी इलाका है, कॉमर्शियल इलाका है? और चूंकि हम देख पा रहे हैं कि कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पर इक्का दुक्का जो बंद है। और बिल्कुल अंजनी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा कमर्शियल, ये पूरी मार्केट है, एनआईटी विधानसभा की पूरी मार्केट है ये। और इसी तरीके से तमाम जो मार्केट है आप देख सकते हैं बंद है क्योंकि जल भराव है। देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं दूर से ही वापस जा रही है क्योंकि पूरे रूट पर ये 1 से 1.5 किलोमीटर की पूरी मार्केट है और इस पूरे रूट पर इसी तरीके से कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति है। साफ तौर पर देखिए गाड़ियां, तमाम जो गाड़ियां हैं पीछे से ही बैक हो रही है क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर गड्ढे हैं। साफ तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजा हमें फरीदाबाद की तस्वीर दिखा रहे थे और राजेश हमारे साथ जुड़े हैं उचाना, जरा उनसे उचाने की स्थिति जान लेते हैं। राजा आज प्रदेश भर के तमाम जिलों में बारिश हुई है, अगर मैं उचाना की तस्वीर के बारे में बात करूं तो क्या तस्वीर बारिश के बाद? बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश हुई है आज, पूरे जींद शहर के अंदर भी जल भराव काफी मात्रा में, जींद शहर के अंदर भी जल भराव काफी मात्रा में भरा हुआ है। काफी बारिश, लगभग 3 घंटे लगातार बारिश हुई है जिस कारण पूरी सड़कों पर भी पानी फैल गया है। और अगर मैं उचाना की बात करूँ तो उचाना जो कस्बा है, कस्बे के अंदर भी पूरी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। यहाँ से आने जाने वाले लोगों को बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के उचाना हल्के के गाँव लोदर के अंदर के जो गाँव की गलियों के अंदर पानी भर गया था जिस कारण लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस गया और कमरों के अंदर भी बहुत ज्यादा पानी फैल गया जिस कारण लोगों को पानी के घर कमरों से निकालने में बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैं अगर पूरे जींद जिले की बात करूं तो जींद जिले के अंदर बहुत अच्छी बारिश हुई है जिस कारण यहाँ पे जो गर्मी से लोगों को राहत मिली है वहीं तापमान में भी गिरावट आई है और किसानों के चेहरे बड़े खुशहाल आज दिखाई दिए है क्योंकि जो खेती के लिए है, जो फसलों के लिए है, बरसात का बहुत ही लाभदायक यहाँ पर बारिश पानी होगा और जिस कारण से किसानों के चेहरे आज खिले हुए हैं। और यहाँ पर जींद शहर के अंदर भी लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है क्योंकि सड़कों के अंदर पर बहुत ज्यादा पानी जमा है। क्यों ये हम जींद जो जींद नगर पालिका का क्षेत्र है, जींद नगर पालिका क्षेत्र के कर्मचारियों ने किसी प्रकार का भी यहाँ पर सड़कों की सफाई व नालियों की सफाई नहीं करवाई थी जिस कारण यहाँ पर जल भराव हो गया। जी बिल्कुल। तो अभी मानसून की पहली बारिश है और प्रशासन ने बारिश से पहले ही दावे किए थे कि जलभराव की समस्या से लोगों को इस बार थोड़ी राहत मिलेगी, तो स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी है प्रशासनिक तौर पर, नजर आता है कि कोई काम नहीं हुआ मानसून की तैयारियों को लेकर? देखिए जो जींद और उचाना का प्रशासन है उनके दावे के जो दावे किए थे उन्होंने यहाँ पर जो गलियों की और नालियों की सफाई करवाने के, लेकिन वो सभी खोखले साबित हो रहे हैं। किसी प्रकार की भी यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था नालियों की और नालों की नहीं करी गई जिस कारण जो बरसात की जो पहली बारिश आई है उसने ही प्रशासन की पोल खोल कर रख दी और यहाँ पर सड़कों पर और सभी लगभग सीवरेज की व्यवस्था है वो भी अभी आज जल भराव होने से भर गए हैं और जिस कारण से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर पानी आ रहा है जिससे यहाँ जनता है, स्थानीय निवासी, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल राजेश। तो पर लोगों को अगर मैं बात करूं इस जलभराव से जो मेन बाजार वाले इलाके हैं या जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर अभी क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जब मानसून के दिन बढ़ेंगे तो और ज्यादा परेशानियां होंगी क्योंकि अभी तो सिर्फ पहला दिन था? देखिए जो आज जो पहली बरसात है, बरसात ने प्रशासन की पोल खोल दी और गलियों में, सड़कों पर, जो बाजारों में भी लगभग जो निचाई वाले क्षेत्र है, गलियां हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। और जो आज जो पहली बारिश से ही ये थोड़ी ही बारिश से ही ये पता लग गया कि यहाँ पर जल भराव हो रहा है तो उसके बाद बारिश आएगी उससे तो बहुत ज्यादा ही में पानी का भराव ज्यादा हो जाएगा और जिस कारण जो आने जाने वाले स्थानीय निवासी है या राहगीर है उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज जो सड़कों से बाइकें, जो दूसरे व्हीकल, कार आदि भी वहां से गुजर रहे हैं उनको भी वहीं पर रोक कर बड़ी मुश्किल से धक्के देकर निकाला जा रहा है पानी जल भराव की वजह से। अब प्रशासन देखना होगा कि आगे जो बरसात आएगी उससे पहले प्रशासन नालियों की और जो सीवरेज व्यवस्था की साफ सफाई करवा पाता है या नहीं। जी चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश। ये थे हमारे सहयोगी उचाना से जो बता रहे थे कि किस तरीके से प्रशासनिक दावे यहां पर भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मानसून के पहले स्पेशली अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो कई सारी
बातें कही गई थी कि पहले के कंपैरिजन यहाँ पर जलभराव से लोगों को राहत मिलेगी और कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, लेकिन आज मॉनसून की जब पहली बारिश हुई और जिस तरह की परिस्थिति सड़कों पर बनी तो ये बहुत निराशाजनक तस्वीर थी कि जो मेन इलाके हैं, जो मेन रोड्स हैं जहाँ पर रोज हर दिन इतना ट्रैफिक होता है और उन सड़कों तक पर जो है जलभराव की इतनी स्थिति खराब हुई कि वो सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और वहां पर जो है ट्रैफिक जाम हुआ, लंबे लंबे जाम लगे रहे क्योंकि पीक आवर्स में जो सुबह का वक्त था तो लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे और उन्हें घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ा। तो अभी पहले दिन की बारिश में ये स्थिति है, तो प्रशासन से सवाल हमारा ये है कि आप आने वाले दिनों में क्या लोगों को इसी तरीके से जूझना पड़ेगा? आपने प्री मानसून में क्या तैयारियां मानसून से निपटने के लिए की? क्या सड़कों पर वाटर फ्लो बढ़े और पानी का लेवल बढ़े और आप बस पंप आउट करके उस पानी को निकाले, क्या यही एक समाधान है? जिन नालियों की बात कही गई थी, जिन सीवर सिस्टम्स को बनाने की बात कही गई थी, पाइप्स बनाने की बात कही गई थी, आखिर वो प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं और उन प्रोजेक्ट्स का कोई फायदा गुरुग्राम की या फरीदाबाद की जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक शहर भर में होता है, कम से कम वहां पर तो कुछ असर देखने को मिलता तो ये ठीक रहता वहां के लोगों के लिए। लेकिन ऐसा अफसोसजनक है कि जो है गुरुग्राम और फरीदाबाद जो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए हैं और यहाँ पर विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां पर मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासन के तमाम बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है। और ये तस्वीर लगातार आप सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं बल्कि हम आपको पूरे प्रदेश की दिखा रहे हैं। जींद में भी बारिश हुई है आज, करनाल में भी बारिश हुई है आज, यमुनानगर में भी बारिश हुई है। तो अमूमन पूरे प्रदेश में तमाम जिलों में बारिश हुई तो वहां पर सड़कें जिस तरीके से जल भराव की चपेट में आई, प्रशासनिक तौर पर दावों की पोल खुल गई। और यहाँ पर देखिए, प्रशासनिक दावों की पोल खुली, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को कितनी परेशानी होती है। आखिर लोगों की परेशानियों के ऊपर प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता? हर साल इतनी तस्वीरें आप देखते हैं मीडिया के माध्यम से या खुद भी आप सड़कों पर इन परेशानियों को फेस करते हैं कि एक तो सड़कों पर गड्ढे, वो भी इतने गहरे गड्ढे होते हैं कि वहां पर अगर जल भराव हो जाता है तो वो गड्ढे नजर नहीं आते और उसमें कई बार गाड़ियां फंस जाती हैं, बाइक्स फंस जाती हैं, लोगों के सीवियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई लोगों की मौत इन एक्सीडेंट्स में हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि इन सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनको भरा जाना चाहिए था अच्छे से, प्रॉपर इन गड्ढों को भरने के बाद जो है इस जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए भी प्रावधान किए जाने चाहिए थे। तो या ना तो यहाँ पर सड़कें कई इलाकों में ठीक हुई हैं, अभी भी सड़कों पर इतने सीवियर गड्ढे हैं कि वहां पर अगर कोई गिर जाए तो बहुत बुरी हालत बने होगी उस शख्स की, गिरने वाले की। तो इसीलिए अब जो लोग हैं उन्हीं से हम ये अपील करेंगे कि देखिए, बारिश का मौसम है, जल्दबाजी में वाहन ना चलाएं, सड़कों पर ध्यान से चलें, जल भराव की स्थिति होती है तो गाड़ी को बिल्कुल स्लो चलाएं और जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि अब एक तरफ प्रशासनिक जो फेल्योर सड़कों पर है उससे आपको जूझना पड़ेगा, दूसरी तरफ कोरोना का खतरा, तीसरी तरफ बारिश के दौरान होने वाली बीमारियां, तो तमाम खतरे घर से बाहर हैं, इसीलिए जरूरी हो तो ही निकलें। हमारे सहयोगी अनूप जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। अनूप, मैं हिसार की बात करूं तो क्या हिसार में भी आज पहली बारिश के बाद सड़कों की स्थिति बदहाल थी? साथ ही प्रशासन की पोल खुल गई है जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे पानी निकासी को लेकर के, तमाम सड़कें तमाम गलियां जलमग्न हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ऑटो मार्केट में पानी भर चुका है। इस वक्त भी हम यहां खड़े हैं, हल्की बूंदाबांदी यहां पर भी है, इस करके हमने थोड़ी देर तक अभी 2 मिनट पहले ही हल्की बूंद हुई थी, तेज बारिश सुबह से हुई है, कल रात में थोड़ी बारिश हुई थी और पहली बारिश में जिस प्रकार से पोल खोलती है, अगर ये इस तरह से बारिश चलती रही तो लगता है कि बाढ़ जैसे लक्षण यहाँ पर बन जाएंगे, क्योंकि पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑटो मार्केट में हमने देखा कि दुकानों में पानी चला गया है और जो दुकानदार है वो बेचारे अपनी दुकानें से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी निकासी 4 लेन के दोनों तरफ नाला बनाया गया है, नाले में पानी नहीं जा रहा, जहां सीवरेज व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। अगर पहली हल्की सी बारिश में ही इस तरह के हालात हैं, अगर तेज बारिश हुई तो पूरा शहर जो है जलमग्न हो जाएगा। जी नंदनी, बिल्कुल अनूप, और यही बात हम अपने तमाम सहयोगियों से कर रहे हैं कि आज तो सिर्फ पहला दिन है बारिश का, पहले दिन ये स्थिति है तो आने वाले दिनों में न जाने क्या होगा।
क्या वही हर साल जो तस्वीर नजर आती है इस बार भी वही सब कुछ नजर आएगा? यानी जो इतनी बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर, ग्राउंड लेवल पर क्या कोई काम नहीं किया गया है? अगर मैं हिसार की बात करूं तो क्या यहां पर भी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को लेकर, गुरुग्राम को लेकर स्पेशली कहा जा रहा था कि बारिश में होने वाले जल भराव से निपटने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए जिनका फायदा लोगों को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया वहां ग्राउंड जीरो पर। अगर मैं हिसार की बात करूं तो यहां पर भी क्या दावे किए जा रहे थे बड़े बड़े और उनकी सच्चाई बिल्कुल यहां पर शून्य नजर आई? बिल्कुल नंदनी जी, एनसीआर की ही बात क्यों, हम हिसार, उपलाना, बरवाला तमाम क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे ही हालात है। जो दावे किए जा रहे हैं उस धरातल से बहुत दूर है, वो तो दूर है। और जिस प्रकार से हम पहले हरियाणा न्यूज पर ये खबरें दिखा चुके कि यहाँ पर किसी की जवाबदेही नहीं है, अगर कोई नाला बना जाए, कोई सड़क बनाई जा रही है, वहां पर किसी की जवाबदेही नहीं है कि इसमें अगर बारिश होगी तो पानी निकासी का किस प्रकार से प्रबंध होगा। इस प्रकार से चाहे वो ठेकेदार है, चाहे जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है कि अगर आप पे ऊपर कार्रवाई होगी। ये बरसात के साथ साथ नंदनी जी, मैं एक बात और बता दूं अपने दर्शकों तक कि जो बिजली कट को लेकर भी जो अभी कहा गया था कि जेई और एसडीओ पर कार्रवाई होगी, यहाँ तमाम इलाके में हर रोज कट लगते हैं लेकिन किसी पे चार्जशीट नहीं हुआ। ये सिर्फ जो सरकार के दावे हैं वो सिर्फ दावे ही रह जाते हैं जी। जी बिल्कुल अनूप, बिल्कुल दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज अमूमन पूरे हरियाणा में जब बारिश हुई तो पहली बारिश के बाद ही जो है सड़कों की सच्चाई सबके सामने। अच्छा, मैं यहाँ पर खराब सड़कों का भी जिक्र करना चाहूंगी और उम्मीद है कि हमारी बात अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी सुने तो वो जरूर इसके बारे में कुछ प्रावधान करे कि सड़कों पर बहुत गहरे गहरे, कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं और वो गड्ढे बारिश के वक्त में दिखाई नहीं देते, जल भराव में वो गड्ढे छुप जाते हैं जिसकी वजह से उन गड्ढों की चपेट में लोग आते हैं और एक्सीडेंट्स का उनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सड़कों को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए था मॉनसून से पहले। बिल्कुल नंदनी जी, कुछ विजुअल्स अभी उकलाना से हमने भेजे भी है, उसमें देखेंगे कि जिस प्रकार से फोर लेन जो 20 करोड़ लागत से बनाया गया था वहां पर इस प्रकार से गड्ढे थे कि पानी भराव होने के कारण वो गड्ढे दिखाई नहीं दिए, उसमें गाड़ियां बंद हो गई, बाइक बंद हो गए, इस प्रकार की विजुअल भी दर्शकों तक मिलेंगे, हमने अभी भेजे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम देख पा रहे हैं और दोबारा मैं उसी बात पर आता कि जब तक जवाब दे, जब तक कोई जवाबदेही नहीं होगी कि जिस कर्मचारी, जिस ठेकेदार द्वारा वो सड़कें, वो सीवरेज बनाए गए उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इसी प्रकार गोलमाल होता रहेगा और पब्लिक इसी तरह परेशान होती रहेगी। सरकार भले ही लाख दावे करे करोड़ों रुपए लगाने के, लेकिन वो करोड़ों रुपए लगने की बजाय उनके चहेतों की जेब में जा रहे हैं जिसका परिणाम आज की बारिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनूप। तो जिस तरीके की परेशानी मानसून के बाद जो है इस पहली बारिश में लोगों के सामने खड़ी हुई हैं, हर साल यही परेशानियां होती हैं, जलभराव, ट्रैफिक जाम, लेकिन निराशाजनक बात यह है कि हर साल सेम परेशानियां होने के बावजूद भी साल भर कोई उपाय प्रशासनिक तौर पर समाधान के लिए नहीं उठाए जाते और ये कदम जो उठाए जाने चाहिए थे मानसून से पहले, अब मानसून आ चुका है, मानसून के अभी पहली बारिश हुई है, लेकिन आप देखिए ग्राउंड जीरो पर सच्चाई क्या है।